ॐ नमो नारायणाय ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् ॐ गणेशाय नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ओम सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यय नमः हरि आज के तत्वबोध के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है तत्व बोध में धीरे धीरे हम वेदांत के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जिनको जानने के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हमें भगवत गीता या उपनिषद की पढ़ाई करनी है तो बेसिक ऑफ वेदांत को जानना जरूरी है और वैसे भगवान शंकराचार्य जी ने इस तत्वबोध प्रकरण ग्रंथ में ये सुंदर सब डेफिनेशंस संध्याए इनका वर्णन बड़ी खूबी से किया है पहले तो मंगलाचरण श्लोक पढ़कर के हम आगे बढ़ेंगे वासुदेवेंद्र योगींद्रम दम गुरु मुमुक्षुणिता हरिओ मुमुक्षु के लिए जान लेना जरूरी है कि ज्ञान का महत्व क्या है तो जब ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में क्लैरिटी आती है क्लैरिटी आती है स्पष्टता होती है और फिर उस चीज से हमारे जीवन के कर्म कैसे होते हैं तो सेल्फलेस कर्म फिर हम करते हैं और उससे मन की प्योरिटी होती है ऐसे क्लैरिटी एंड प्योरिटी बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी अभी हम आज देखने वाले हैं अवस्था त्रय साक्षी किम तो धीरे धीरे हम एक एक चीज को जानने का पूरा प्रयत्न कर रहे अभी हमने आत्मा कहा ये जो सुंदर ऐसे डेफिनेशन पढ़ी सुनी समझी और उसके बाद में उस डेफिनेशन में जो 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 सुंदर ऐसी बातें कही है हर चीज का हम अभ्यास कर रहे हैं वर्णन कर रहे तो पहले हमने देखा कि आत्मा को कैसे बोला गया है बोले तीन जो शरीर है स्थूल शरीर 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 कारण शरीर, व्यतिरिक्त उससे परे फिर पंचकोशा अतीत बोले फिर पंचकोश से परे और अभी कहते हैं अवस्था त्रय साक्षी तो अभी इस तत्व बोध के इस आज के विषय में हम पढ़ाई करने वाले हैं हम सोचने वाले हैं हम अध्ययन करने वाले हैं अवस्था, अवस्थात्र तो ये तीन अवस्थाएं जो है और इसका साक्षी जो है वो है आत्मा तो उसके बारे में तो बाद में हम पूरी जानकारी लेने ही वाले हैं लेकिन आज अवस्था तीन कौन सी है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे इसके बारे में हम अध्ययन भी करेंगे पहली अवस्था जागृत अवस्था का तो इससे पहले अवस्था त्रय किम का भी एक छोटा सा ऐसा, ऐसा पॉइंट है जिसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं अवस्था त्रय किम जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था बोले तीन अवस्थाएं हैं कौन सी है जागृत अवस्था देन स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था तो उसमें की पहली अवस्था का वर्णन अभी करने जा रहे हैं वह है, है जागृत अवस्था तो कहा है जागृत अवस्था का जागृत अवस्था क्या चीज है श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषयच ज्ञाते इति यासा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इतुचते अभी हम पहले इसका वर्णन करेंगे श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय यानी श्रोत्र यानी कर्ण कान आदि यानी फिर और चार जो ज्ञानेन्द्रिय है सो पंच ज्ञानेन्द्रिय के बारे में पहली बात कह रहे हैं कि कान फिर नाक फिर आंखें, फिर त्वचा और फिर जिह्वा तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय जो है आदि तो आदि क्या है शब्दादि विषयच्च ज्ञायते ये पांच ज्ञानेंद्रिय से जो विषय है इस पूरे जगत के इसका ज्ञान होता है तो जहां इसका ज्ञान होता है जिस अवस्था में इसका ज्ञान होता है उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। यानी जब हमारे ज्ञानेंद्रिय इस सारे संसार के पदार्थ को जानते हैं और ये जो अवस्था है जहां ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बीच में व्यापार हो करके इनका जो भी संबंध है उसका ज्ञान हमें पता चलता है मिलता है ये जो अवस्था है इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं इसके बारे में और भी हम सोचेंगे फिर कहते हैं स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्चते अब ये जागृत अवस्था में जो आत्मतत्व है जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं तो लेट मी जस्ट री कैप और मैं ये बता दूं कि जीव आत्मा क्या चीज है तो जब अज्ञान जो होता है अज्ञान से कंडीशन जब आत्म तत्व होता है तो उसे जीव आत्मा कहते हैं तो ऐसे जीव आत्मा को यानी ऐसा जीव आत्मा जब जागृत अवस्था से पूरी तरह से आइडेंटिफाई होता है जागृत अवस्था के साथ उसका तादात्म्य होता है ऐसे आत्मतत्व को वेदांत की भाषा में विश्व इतुचते विश्व ऐसा कहा गया है अभी और छोटी छोटी बातें। पहली बात यह है कि ये जो जागृत अवस्था है तो जागृत अवस्था में जो आत्म तत्व है इसका तादात्म्य ये स्थूल शरीर से हो रहा है कौन से शरीर से स्थूल शरीर से तीन शरीर है एक है स्थूल शरीर एक है सूक्ष्म शरीर एक है कारण शरीर तो सबसे ज़्यादा जो तादात्म्य है यह स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ भी तादाद में है ही बट सबसे ज्यादा जो है वह है शरीर के साथ में फिर और क्या है अभी दूसरी एक बात है कि जब इस जागृत अवस्था में जो कोई व्यक्ति अज्ञानी होता है और वो कर्म करता है तो वो क्या करता है वो अपने आप को करता करते मानता है करता हूं तो जब बन गया, तो भोक्ता भी बनता है कर्म करते वक्त, ये व्यक्ति सोचता है कि ये कर्म मैं ही कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं मेरे वजह से ही हो रहा है और जब फिर फल आता है उस चीज का तो फिर उस चीज का फल जो मिलता है और वो उसका वो अनुभव जो करता है तो वो भोक्ता भी हो जाता है तो ये जागृत अवस्था में ये जो जगत है और ये जगत के जो पदार्थ है इसके साथ इस आत्मतत्व का बहुत ही घनिष्ठ ऐसा संबंध होता है और ये सॉलिड रियलिटी है ऐसा ये मानता है ये क्या है सॉलिड रियलिटी है ऐसे ये मानता है इसलिए ये जो डुअर है, है वो किस चीज में बन जाता है कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट यानी जो मन में इच्छा आई वो कारण हो गया और उससे जो कार्य किया यानी उससे जो कर्म किया वो कार्य हो गया तो क्या हो गया कॉज और इफेक्ट इच्छा और कर्म इच्छा और कर्म इस दोनों चीज से इस व्यक्ति का बहुत घनिष्ठ ऐसा संबंध हो जाता है और क्या होता है तो बोलते हैं कि ये सारे जगत में जो कोई भी व्यक्ति नींद में जाता है पर नींद के बाद जब उठता है तो इसी जगत में वो उठता है इसलिए हम सबको ये जागृत अवस्था से बहुत ज़्यादा तादाद में होता है क्यों क्योंकि हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स और लोग इनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और इनके साथ जब अटैचमेंट होता है तो बहुत सारी क्रियाएं इन पदार्थों के साथ और इन व्यक्तियों के साथ होते रहती है और उससे हमको सुख और दुख मिलते रहता है और ऐसा जहां है कि वहां पदार्थ और व्यक्ति के इस व्यापार से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सुख दुख की अनुभूति होते रहती है वैसे ही शीत उष्ण आदि अनुभूति होते रहती है ऐसे जहां अनुभव होता है जहां ज्ञानेंद्रिय और जो इस संसार के पदार्थ है इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है और वहां से हमको क्या होता है अनुभूति की प्राप्ति होती है और ऐसे अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं और ऐसे अवस्था में जो आत्मतत्व जो जीव आत्मा है जो इस जागृत अवस्था से पूरी तरह से होकर करके वो रहता है इस आत्म तत्व को विश्व यहां कहा गया है तो देखिए जागृत अवस्था में क्या हो रहा है कि सब तरफ ज्ञानेंद्रिय से इस पूरे पदार्थ को जानने का ये एक व्यापार हो रहा है और वैसे ही कर्म इंद्रिय से कर्म करते चलते हैं और मन करता और भोक्ता भाव बहुत ज़्यादा दृढ़ करते रहते हैं बिकॉज ये पता नहीं है अज्ञान है कि कर्म कौन कर रहा है कर्म कैसे हो रहे हैं इसलिए इस जागृत अवस्था में जो व्यक्ति अज्ञानी है वो जो कर्म करता है इससे उसको कर्ता भाव मिलता है और वो दृढ़ करते रहता है दृढ़ करते जाता है और वैसे ही जब कर्ता दृढ़ है तो भोक्ता भाव भी दृढ़ होते जाता है और ऐसे ये बहुत ज़्यादा इस जागृत अवस्था से जुड़ जाता है अटैच हो जाता है इसको सॉलिड रियालिटी समझते रहता है और ये अवस्था जो है अवस्था इस शब्द को भी समझना जरूरी है अवस्था वो होती है जो आती है और जाती है। वो कभी एक जैसी नहीं रहती है वो आएगी भी और भी वो आएगी आएगी भी भी। भी भी। और और जाएगी जाएगी तो इसको भी जानना जरूरी है ये जागृत अवस्था ये अवस्था है ये रोज आती है रोज जाती है फिर से आती है फिर से जाती है तो ये जाति कैसे है कि जब व्यक्ति जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में चला जाता है तब जागृत अवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और फिर उदय होता है स्वप्न अवस्था का तो हम अभी देखेंगे स्वप्न अवस्था क्या चीज है सबको सपने देखना <laughs> <laughs> बहुत अच्छा लगता है और कुछ तो लोग दिन में भी सपने देखते हैं तो उसको बोलते हैं <laughs> तो वो कभी भी इस जगत के वास्तविकता से कभी उनका पाला नहीं होता है वो तो दूसरे ही जगत में रहते हैं तो उनके तो क्या कहने <laughs> आइए अभी हम पढ़ेंगे कि स्वप्न अवस्था क्या चीज है स्वप्नवस्थाकेति चेत् जाग्रदवस्थायां यद् दृष्टं यद् श्रुतं तद् जनितवासना जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्च प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते एक बार हम फिर पढ़ लेंगे ताकि अगर आप पढ़ोगे अपने आप से तो आपको सहज होगा स्वप्न अवस्था के तीचे चेत जागृत अवस्थाया दृष्ट युतम तनित वासनया निद्रा समये प्रपंच प्रतीयते स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इतुचते अभी स्वप्न अवस्था का वर्णन हो रहा है बहुत सुंदर वर्णन है कहते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड यानी स्वप्न अवस्था क्या है जागृत अवस्थाया जब जागृत अवस्था है जब वेकिंग स्टेट है जब क्या हो रहा है जागृत अवस्था यानी ज्ञानेन्द्रिय का इस पूरे के पूरे पदार्थों के साथ जो संबंध हो रहा है और वहां से जो अनुभूति हो रही है तो कहते हैं कि ऐसे जागृत अवस्था में यद दृष्टम जो गम देखते हैं यत श्रुतम जो गम सुनते हैं अभी देखना दो चीजें बोली गई जो देखते हैं और जो सुनते हैं उससे होता क्या है जनित वासनया उससे हमारे मन पर बहुत सारे इंप्रेशन पड़ जाते हैं बहुत सारे इंप्रेशन गिरते हैं अभी ये इंप्रेशन यानी छाप जैसे कोई स्टैम्प है समझो एक स्टैंप है और जैसे उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो स्टैंप लगाना होता है तो स्टैंप क्या है तो उसमें इंक होती है और उसको एक ठप्पा लगाते हैं तो कागज पर निशान आ जाता है और वो निशान रहता है उसको कहते हैं इंप्रेशन वैसे ही जो व्यक्ति जागृत अवस्था में जो जो चीजें देखता है उस सारे चीजों का इंप्रेशन हमारे मन में होता है और जो जो बातें हम सुनते हैं उन बातों का भी इंप्रेशन हमारे मन में होता है यानी छाप हमारे मन में गिरते रहती है किस चीज की ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे जो जरिए है मन तक इंप्रेशन पहुंचाने के या मन को मन के साथ इंप्रेशन पूरा स्ट्रांग करने के लिए एक है देखना और एक है सुनना इसलिए आजकल आप सोचते हो और जानते हो ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी पॉपुलर ऑडियो <laughs> यानी जहां बात हो रही है वीडियो यानी जहां हम देख सकते हैं जैसे आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हो जहां के हम ये तत्व बोध की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मुझे देख भी रहे हो और आप मुझे सुन भी रहे हो तो ये हो गया ऑडियो और विजुअल तो इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है तो कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में जो 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 जागृत अवस्था के समय पदार्थों को देखता है इस जगत को देखता है और इस जगत में जैसे वो लोगों से व्यापार करता है बातें करता है सुनता है तो वो सुनने में भी जो इंप्रेशन मन में होती है उससे बहुत ज्यादा वासना निर्माण होती है वासना यानी डीप इंप्रेशन डीप इंप्रेशन बहुत गहरे छाप उसको वासना कहते हैं तो कहते हैं फिर क्या होता है निद्रा समय फिर ये छाप तो मन पर आ गए ये इंप्रेशन तो मन पर हो गए अभी जागृत अवस्था खत्म हो गई ये आदमी थक गया शाम का समय है यानी रात का समय है अभी ये आदमी सोने को गया इस व्यक्ति सोने को गया अब ये बिस्तर पर लेटा हुआ है और ये अभी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में चला गया स्वप्न अवस्था में होता क्या है तो बोलते हैं यह प्रपंच प्रतियते सा स्वप्न अवस्था जो जो जागृत अवस्था में हमने देखा है हमने सुना है उसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे छाप हो गए इंप्रेशन हो गए तो जब स्वप्न अवस्था आती है तो ये मन अपने ही मन के पर्दे पर ये सारे इंप्रेशन जो है ये सब मिक्स हो जाते हैं और ये क्या होते हैं प्रोजेक्ट हो जाते हैं मन के स्क्रीन पर मन के पर्दे पर और उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं अभी ध्यान देना इस स्वप्न अवस्था में ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्म इंद्रिय यानी शरीर जो है स्थूल शरीर इसका कोई भी एक भी सहभाग है नहीं इस अवस्था में क्यों क्योंकि ये शरीर तो अभी पूरी तरह से कोई कर्म नहीं कर रहा है शरीर अभी कोई कर्म नहीं कर रहा है तो ये अवस्था में ये जो स्वप्न दिख रहा है तो ये मन का प्रोजेक्शन है ये मन का विक्षेप है ये मन ही उसको प्रोजेक्ट कर रहा है किस चीज को जिस चीज को हमने जागृत अवस्था में देखा जिस चीज को हमने जागृत अवस्था में सुना उसकी वजह से जो मन पर अनेक इंप्रेशंस हो गए तब व्यक्ति जब सो जाता है तो जागृत अवस्था से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जागृत अवस्था से उसका कोई भी संबंध नहीं रहता है वो अभी दूसरी अवस्था में जाता है उसको कहते स्वप्न अवस्था अभी स्वप्न अवस्था में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का कुछ भी व्यापार नहीं हो रहा है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय पूरी तरह से शांत है पूरी तरह से एब्सल्यूटली कोई कर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी मन जो इंप्रेशन है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है और उस प्रोजेक्शन में सारे मिक्सिंग होता है अनेकों चीजों का और कब होगा कब कौन सा इंप्रेशन होगा उस इंप्रेशन को ये माइंड कब प्रोजेक्ट करेगा इसके बारे में कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं इसलिए कई बार तो ये समझ में आता है कि अरे ये तो ये जो आज सपना दिखा ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं क्योंकि सारे अनुभव जो है वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं और कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है इस स्वप्न अवस्था में ठीक है अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे स्वप्न अवस्था में जब यह व्यक्ति होता है तो यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भोकता होता है करता नहीं होता है ध्यान दीजिएगा स्वप्न अवस्था में करतापन नहीं है स्वप्न अवस्था में भोक्तापन है सिर्फ और इसकी वजह से क्या है जो सपने में व्यक्ति देखता है जो सपने में कुछ अगर वो करता है तो उसका कोई फल नहीं होता है ना उसका कोई पाप और पुण्य होता है ना उसका कोई मेरिट डीमेरिट होता है कुछ नहीं होता है लेकिन अनुभव ये व्यक्ति करता है उस चीज को इसलिए ये वहां भोगता होता है तो यहां करतापन नहीं है सिर्फ भोगतापन है इसको ध्यान में दीजिएगा फिर ऐसे इस स्वप्न अवस्था में होता क्या है तो सबके सब जो है वो अनरियल है लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा अनरियल होते हुए भी वो रियल सा प्रतीत होता है वो सब असत्य होते हुए भी वो सत्य जैसा प्रतीत होता है क्यों क्योंकि इस समय ये जीव आत्मा इस स्वप्न अवस्था से पूरी तरह से तादात में पा चुका है तादात्म्य कर चुका है और इसलिए जब तादात्म्य हो गया तो वो जो असत्य है वो सत्य लगता है और सत्य लगने से उस सत्य का ये अनुभव करता है फिर वो कैसा भी क्यों ना हो अनुभव वो कभी अच्छा हो सकता है कभी बुरा हो सकता है बट ये अनुभव जरूर करता है और ये पता कैसे चलता है? क्योंकि शरीर पर उसका इफेक्ट होता है कई बार तो लोग इतने डर जाते हैं सपने में कुछ देखने के बाद कि वो तुरंत जोर से चिल्लाते हैं तो देखो क्या हो गया कि जब सपने में उसने कोई चीज को देखा तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा था ये तादात्म्य की वजह से या आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो व्यक्ति उसमें बड़ा रिएक्ट करता है और फिर वो अवस्था टूट जाती है और फिर कभी कभी वो जागृत अवस्था में आ जाता है चिल्लाने के बाद पर कभी कभी ऐसा भी होता है हमने देखा भी है और आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा कि व्यक्ति बड़बड़ -बड़ कर रहा है और सो रहा है बिल्कुल अच्छे से सो रहा है और -ड़ 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 करते जा रहा है ये तो एकदम अद्भुत ऐसा दृश्य हम सब ने देखा है तो क्या हो रहा है मन इतना ज्यादा विचलित है मन इतना ज्यादा चंचल है कि ये शरीर के ज्ञानेंद्रिय कुछ काम नहीं कर करे एक्चुअली मीन पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है बट मन उसको कर रहा है, लेकिन अज्ञानता से वो उसको कार्यान्वित कर देता है, और उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, देखिए तो ये हो गई स्वप्न अवस्था इसको जानो ये सपने में जो भी दिखता है वो हमारे कई पिछले दिनों का कई पिछले महीनों का कई पिछले वर्षों का या कई पिछले जन्मों का जो मन में इंप्रेशन है वो कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है ध्यान दीजिए कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है इसलिए हम ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा वगैरह वगैरह कभी ना कभी प्रकार ऐसा इंप्रेशन मन में रहा होगा इसीलिए उस तरह का दृश्य हम सपने में देखते हैं ठीक है अभी जो है बहुत जरूरी है कि सपने में जो व्यक्ति है वो सपने में जब है तो उसको वो सपना सच ही लगता है क्यों क्योंकि तब उसका तादाद में हो गया है उस सपने में ठीक है तो ध्यान में दीजिएगा कि ये सपना एक्चुअल में असत होते हुए भी यह सत्य लगता है बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन बिकॉज ऑफ दिस तादात्म्य तो जब भी तादात्म्य है तो जो चीज जैसे है वैसे नहीं दिखती है कुछ और ही दिखती है जब भी किसी का किसी चीज से तादात में हो गया तो वो क्या होता है जैसी चीज है वैसी नहीं दिखती है कुछ और ही दिखती है जैसे अगर एक सुंदर क्रिस्टल है और वो जो चमकता हुआ कलरलेस है उसके पीछे अगर हमने एक लाल कपड़ा रख दिया या लाल फूल रख दिया और फिर सामने से उसको देखा तो वो पूरा के पूरा जो क्रिस्टल है वो लाल लाल दिखने लगता है देखिए कि वो क्या हो गया कि उसके पीछे जो है उसके साथ उसका तादाद में हो गया कंडीशनिंग हो गई और इसकी वजह से वो जो कलरलेस है पूरी तरह से रंग से रहित है फिर भी वो रंगीन सा लग रहा है रंगीन सा लग रहा है इसको ध्यान में देखना वैसे ही ये स्वप्न जो है ये प्रोजेक्ट होने के बाद तादात में जो होता है आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसके वजह से वो सच्चा ही लगता है फिर जब ये तादात में से बाहर आते हैं यानी एक तो जागृत अवस्था में आते हैं, या तो सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तब ये अवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती है तब ये पूरी अवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो हम सब ने ध्यान में रखना है कि स्वप्न अवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही अपने किसी दिन किसी महीने किसी वर्ष या किसी जन्म में हमने कुछ जो भी इंप्रेशन इस मन में पाया उसका ही ये परिणाम है जिसको स्वप्न कहते हैं अभी ध्यान देना कि जब हमने कहा कि किसी जन्म का भी हो सकता है इसका मतलब यह समझना जरूरी है कि ये जो मन है ये तो सूक्ष्म शरीर का एक कंपोनेंट है और सूक्ष्म शरीर इस थूल शरीर को छोड़ देता है जब मृत्यु होती है तब लेकिन सूक्ष्म शरीर इवन जब इस स्थूल शरीर को छोड़ता है तो वह कारण शरीर के साथ आगे जाता है और दूसरे शरीर को फिर लेता है इसका मतलब है कि सूक्ष्म शरीर में जो है मन और बुद्धि वो तो सेम ही रहते हैं सिर्फ बदल क्या रहा है तो ये एक्सटर्नल जो रूप है ये जो बाहरी जो हमारा रूप है ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये सिर्फ बदल रहा है मृत्यु जब हो गई तो ये शरीर स्थूल शरीर चला गया लेकिन सूक्ष्म शरीर तो आगे 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 चलता है और दूसरा शरीर लेता है इसलिए कई जन्मों का भी इम्प्रेशन इसमें जैसा के वैसा रहता है इसलिए कुछ भी चीज़ अगर हम सपने में देखते हैं तो ये मत समझना कि ये कभी हुआ ही नहीं होगा ये तो कभी हमने कभी सोचा ही नहीं होगा या तो कभी हमने अनुभव ही नहीं किया होगा कभी ना कभी किसी ना किसी समय हमने उसको अनुभव किया है और वही अनुभव सामने आ रहा है तो क्या हो रहा है अनफुलफिल हमारी जो विशेष है हमारी इच्छाएं हैं, वही प्रोजेक्ट हो रही है और कई बार तो कुछ विचित्र सा भी प्रोजेक्ट होने लगता है कि जिसके साथ ऐसा लगता है कुछ संबंध भी नहीं है वो भी प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि यहां तो सब के सब क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है और फिर वो प्रोजेक्ट हो रहा है मन के स्क्रीन पर तो जानना जरूरी है जो भी सपना होगा वो किसी ना किसी इम्प्रेशन का ही ये परिणाम है और जब व्यक्ति इस अवस्था से बाहर आ जाता है समझो वो जागृत अवस्था में आ गया तो तब उसको पता चलता है कि जो मैंने सपने में देखा वो सब के सब असत्य है उसका कोई भी इस जागृत अवस्था में कनेक्शन है नहीं तो अभी हम आगे चलते हैं कि क्या हो सकता है सुषुप्ति अवस्था सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं अभी हम ये भी देखेंगे और फिर आज का ये टॉपिक पूरा होगा अथ सुषुप्ति अवस्था का अहम किम न जाना सुखे न निद्रा अनुभूयत इति सुप्त अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्चते अभी इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दू सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तई जस इति उच्चते यानी जब तादात्म्य हो गया था ये सूक्ष्म शरीर के साथ उस जीव आत्मा का तब ऐसे जीव आत्मा को तेजस कहा गया है वेदांतिक भाषा में वेदांतिक भाषा में उसको तेजस कहा गया है तो स्वप्न अवस्था हमने देखी जागृत अवस्था हमने देखी और जागृत और स्वप्न अवस्था दो पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है पूरी तरह से अलग है क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ है वो स्वप्न अवस्था में बिल्कुल नहीं रहते हैं और स्वप्न अवस्था में जो है वो जागृत अवस्था में कुछ भी नहीं रहता है जागृत अवस्था में व्यक्ति कर्ता, भोक्ता दोनों बनता है और जो कर्म करता है उसका फल भी उसको भोगतना पड़ता है बट स्वप्न अवस्था में कर्तापन होता ही नहीं है सिर्फ भोक्तापन होता है इसकी वजह से अगर स्वप्न अवस्था में किसी ने कुछ अच्छा काम किया या किसी ने कुछ बुरा भी काम किया तो दोनों का भी अच्छे काम का न कोई पुण्य मिलता है न बुरे काम का कोई पाप मिलता है तो क्योंकि वहां उस कर्तापन को हमने नहीं लिया है वहां कर्तापन है ही नहीं ऐसा जो आत्म तत्व है जो ये सूक्ष्म शरीर के साथ आदात में पाया हुआ है ऐसे स्वप्न अवस्था में इस आत्म तत्व को जिसने सूक्ष्म शरीर के साथ तादाद में किया है उसको कहते हैं। <laughs> और अभी सुषुप्ति अवस्था लेकिन यह सुषुप्ति अवस्था का भी वर्णन बहुत सुंदर है और उसको समय लगेगा इसलिए अस स्टॉप हियर बिकॉज छोटी छोटी चीजें अगर हम समझ में समझ में लेते हैं या उसको समझने का पूरी कोशिश करते हैं और मेक आर माइंड मोर क्लियर अबाउट सपना अवस्था एंड जागृत अवस्था एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट थिंग्स एज वेल एज द फीचर्स इन बोथ दी अवस्था में कौन सी कौन सी चीजें अलग है इसकी जानकारी लेकर के उसको समझ करके ग्रहण करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे <laughs> कौन सी अवस्था के साथ सुषुप्ति अवस्था तब तक के लिए आप आराम कर लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा सुषुप्ति अवस्था में जाने के लिए यानी पूरी तरह से जहां न जागृत अवस्था है न स्वप्न है क्या है संपूर्ण है वो क्या है हम अगली बार बताएंगे ओम मंगलम ओम ओंकार मंगलम ം മംഗളം ഓക്കാരമംഗളം ഗുരുമംഗളം ഗുരുപാദമംഗലം ഗുരുമംഗളം ഗുരുപാദമംഗലം ഗുരുപാദമംഗലം ഹരിയോ ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദത്തി പൂർണസ്യ पूर्णमादय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति 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 हरि ओम ओ श्रीगुभ्यो नम ओम ऐसुरनाथ महाराज की जय नमो नारायणाय